बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं थर्ड लेसन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1, जिसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइव क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, उसके सभी वीडियोस चैनल पर अपलोडेड है, आप चैनल पर जाके वो वीडियोस वॉच कर सकते हो। सो क्वेश्चन इज गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। हमें यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन गिवन है। आगे बोल रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें एक और लीनियर इक्वेशन लेना है। एक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है और हमें एक और इक्वेशन लेना है। एक ही इक्वेशन है और एक इक्वेशन और बनाना है, तो ये हमारे पास पेयर बन जाएंगी। तो हमें ऐसी लीनियर इक्वेशंस लेना है कि जब ये पेयर बने तो इनका जो ग्राफ हो, फर्स्ट में है इंटरसेक्टिंग लाइंस होना चाहिए, इनका ग्राफ पैरेलल लाइंस होना चाहिए और इनका ग्राफ कोइंसिडेंट लाइंस होना चाहिए। मीन्स हमें थ्री डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस लेना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास कंडीशन है इन सभी के लिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन होती है a1/a2 ≠ b1/b2। एक इक्वेशन तो ये गिवन है, बट सेकेंड इक्वेशन में हम ऐसे एक कोएफिशिएंट सेलेक्ट करेंगे एक्स और वाई के कि जब हम उनका कोएफिशिएंट रेशियो ले तो वो रेशियो इक्वल ना हो। तो सिंपल यहाँ पे क्या करोगे आप कि जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसको वाई में लिख दो और जो वाई का कोएफिशिएंट है उसको एक्स में लिख दो। जैसे कि यहाँ पर ये एक्स के साथ 2 है और वाई के साथ 3 है, तो हम इसको लिख लेते हैं 3x + 2y। अब यहाँ पर ये जो सी है इसकी जगह कुछ भी ले सकते हो। सपोज यहाँ पे हमने ले लिया 5 = 0। अब अगर हम इनके दोनों के देखो रेशियो निकाले कोएफिशिएंट के, सो 2/3 a1/a2 2/3 b1/b2 3/2 c1/c2 8/5। तीनों भी इक्वल आ रहे हैं क्या? तीनों भी इक्वल नहीं है। और अगर रेशो इक्वल ना हो तो जो लाइंस होती है वो कैसी रहती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। ये हमने इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म कर लिए। सेकेंड है पैरेलल लाइंस। फर्स्ट इक्वेशन तो ऑलरेडी हमारे पास है 2x + 3y - 8 = 0। अब इसी के साथ एक और इक्वेशन लेना है, बट कंडीशन क्या गिवन है? पैरेलल लाइंस होना चाहिए उनका ग्राफ। तो हमारे पास पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है? a1/a2 b1/b2 ≠ c1/c2। सो ये जो फर्स्ट टू है मीन्स ये इक्वल होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड रेशियो, बट थर्ड रेशियो इक्वल ना हो। तो जब भी इस टाइप से आए तो क्या करेंगे हम कि ये जो फर्स्ट और सेकंड है मीन्स एक्स और वाई वाला है, इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। बट ये थर्ड को सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्योंकि थर्ड हमें सेम नहीं चाहिए, इक्वल नहीं चाहिए, बस फर्स्ट और सेकंड का रेशो इक्वल आना चाहिए। तो कोई भी 2, 3, 4, 5 आप जो भी नंबर लो उससे ये फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो। सपोज अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले यहां लिख लेते हैं सेकंड इक्वेशन कैन बी, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन कैन बी, यहां पर फर्स्ट और सेकंड इक्वल चाहिए, हमें फर्स्ट और सेकंड का रेशो इक्वल चाहिए। सो फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे हम, मींस एक्स और वाई को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सपोज 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 2 = 4x + 2 × 3 = 6y। अब ये जो लास्ट है इसको चाहे तो एज इट इज लिख सकते हो या फिर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो या अपने हिसाब से कोई भी एक नंबर ले लो, बट उनका रेशियो इक्वल ना आए ऐसे नंबर लो। सपोज मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 7 = 0। ये बन गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं 2/4 3/6 - 8/-7। 2/4 क्या हो जाएगा 1/2, 3/6 भी क्या हो जाएगा 1/2, आगे दोनों भी इक्वल, और जबकि माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 8/7, ये इक्वल नहीं है। सो अगर इक्वल में चाहिए जो भी इक्वल है, जैसे फर्स्ट और सेकंड इक्वल है तो एक्स और वाई को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बट थर्ड वाला हमें इक्वल नहीं चाहिए तो अपने हिसाब से ऐसा नंबर ले लो कि इसका रेशियो इक्वल ना हो। थर्ड इज गिवन कोइंसिडेंट लाइन। इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 5 = 0। वी हैव द कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइन a1/a2 b1/b2 c1/c2, तीनों भी रेशियो इक्वल होना। सो अब यहाँ पे देखिए तीनों भी रेशियो इक्वल होना है, तो किसी भी एक नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को। तीनों रेशियो इक्वल चाहिए इसलिए फर्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई करूंगे, सेकंड को भी करूंगे और थर्ड को भी करूंगे। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6x + 3 × 3 = 9y -3 × 5 = 15 = 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं 2/6 3/9 - 5/-15 इक्वल में। अगर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पर भी माइनस साइन ही लोगे, अगर प्लस साइन है यहाँ पर तो इधर भी प्लस साइन ही लोगे। अब देखिए इसको 2 और 6 को कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया 1/3, 3 और 9 को कैंसिल करूंगे तो ये भी आ जाएगा 1/3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 और 15 को कैंसिल करूंगे तो ये भी क्या आ गया 1/3, तीनों भी रेशियोज इक्वल आ गए। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0। इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ प्लॉट करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्मड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस। अब इन दोनों, जब इन दोनों इक्वेशन के आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन की लाइन एक्स एक्सिस के साथ मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगी। सो हमें उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, वर्टाइसेस कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, साथ में जो ट्रायंगुलर रीजन बनेगा उसे शेड भी करना है। सो फर्स्ट इक्वेशन ले लिया x - y + 1 = 0। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें पहले इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा, तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर x - y + 1 = 0, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि
एक्स प्लस वन को एज इट इज रखते हैं, माइनस वाई को शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस वाई। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब इसी इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। पहले हम टेबल बन गया, यहाँ पर हम x के अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सपोज हम ले रहे हैं 0, 1, 2, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 0, 1, 2 ही लेना है। अब इस यहाँ पर हम 1 by 1 x की वैल्यूज पुट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन मीन 0 plus 1, तो ये हो गया 1, आ गया यहाँ पर 1। सेकेंड y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, x की जगह 1 पुट कर देंगे, सो 1 plus 1 ये हो गया 2। y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, x की वैल्यू अब 2 पुट कर देते हैं, सो 2 plus 1 सो ये आ गया 3। x की वैल्यू, y की वैल्यूज मिल गई हमें 1, 2, 3। नेक्स्ट इक्वेशन 3x plus 2y minus 12 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी जैसे कि हमने यहाँ पे y रखे थे, यहाँ पर भी हम y ही रख लेते हैं, सो 2y इज इक्वल टू माइनस 12 हो जाएगा प्लस 12, और माइनस 3x को शिफ्ट कर प्लस 3x को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x। हमें सिर्फ यहाँ पर y चाहिए तो 2 को भी हटा देते हैं, सो ये हो गया 12 minus 3x अपॉन, टेबल बना लेते हैं, टेबल में यहाँ पर भी हम x के अपने अकॉर्डिंग वैल्यू ले लेते हैं, सो ये ले लेते हैं 0, 1, 2, ये वैल्यूज हमने ले लिए। अब इस इक्वेशन में हम वन वैल्यूज रखेंगे तो हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज मिल जाएंगी, सो y इज इक्वल टू 12 minus 3 into 3x है, x की वैल्यू 0 अपॉन, सो ये हो गया 12 minus 3 into 0 upon 2, सो इतना हो गया 12 upon 2, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, सो आ गया 6। सेकेंड y इज इक्वल टू 12 minus 3, x की जगह आप पुट कर देंगे 1 upon 2, सो ये हो गया 12 minus 3 into 3 upon 2, 12 में से 3 को माइनस किए तो यहाँ पर आ जाएगा 9 upon 2, और 9 upon 2 होता है 4.5, सो ये आ गया 4.5। थर्ड y इज इक्वल टू 12 minus 3x, अब x की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, सो 3 into 2 upon 2, 12 minus 3 into 6, 6 upon 2, 12 में से 6 माइनस किए तो 6 आ गया 6 upon 2, सो यहाँ पर आ गया 3। बन गया हमारे दोनों भी इक्वेशन का टेबल, अब टेबल बन गया है तो हमें क्या करना है, इसके इसके पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पर। सो ग्राफ प्लॉट करने के लिए यहाँ पर हमने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करी है, साथ में स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 centimeter इज इक्वल टू 1 unit, यहाँ पे हमने जो डिस्टेंस लिए है 1 centimeter का 1 unit है। अब फर्स्ट टेबल देखते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, सो ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 यहाँ पर आ जाएगा y एक्सिस पर, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 और ये y की वैल्यू, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, सो ये x एक्सिस पे 2 आ गया और ये y की वैल्यू 3, इनको आपस में ज्वाइन कर लेंगे। सो यहाँ हमारे पास लाइन आ गई इक्वेशन की, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सेकंड देखते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, सो ये y एक्सिस पे आ जाएगा 6, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4.5, सो ये x 1 हो गया और y की वैल्यू ये 4, यहाँ पर आ जाएगा 4.5, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, सो ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 ये यहीं पर ही आएगा, सो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये सेकंड लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, दिस इज द लाइन ऑफ इक्वेशन, क्या थी हमारे पास इक्वेशन, 3x plus 2y minus 12 is equal to 0, सो 3x plus 2y minus 12 is equal to 0। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें, Determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and x-axis. ये line और x-axis के बीच में जो triangle form होगा, उसका हमें vertices find करना है. So कौन सा triangle form हो रहा है? देखिए यहाँ पर, ये आ गया हमारा x-axis और ये दोनों line, तो इनके बीच में ये angle form हो रहा है. इसको ये shaded भी करना है, तो इसको shaded कर देते हैं. Shaded कर दिया इसको हमने triangle को. यहाँ पर इसके नेम्स लिख लेते हैं वर्टाइसेस के नेम, तो सपोज ये है यहाँ ये x, दिस इज b एंड दिस इज c. अब इसका आंसर लिखना होगा, तो आंसर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर a है तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, x की वैल्यू माइनस 1 और y की वैल्यू 0, b क्या था, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, सो ये 2, 3, c x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, सो 4, 0, तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा a माइनस 1, 0, बी 2, 3 एंड सी 4, 0। सो यहाँ को वीडियो पसंद आया हो, ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें।